मुश्किल में राहुल गांधी। क्या गांधी फैमिली को फिर याद आएंगे बिग बी? गांधी फैमिली को लेकर फिर से चर्चा में क्यों आए अमिताभ बच्चन? राहुल गांधी मुश्किल में है, मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने, सजा सुनाए जाने और सांसदी से हाथ धोने के बाद जाहिर है न केवल राहुल गांधी बल्कि गांधी परिवार मुश्किल में है। किसी भी परिवार पर वक्त बेवक्त मुश्किल आते ही रहते हैं। फिलहाल गांधी फैमिली भी इस दौर से गुजर रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब गांधी फैमिली पर मुसीबत आई है। कांग्रेस और गांधी परिवार के इतिहास में झांके तो गांधी फैमिली इससे भी बुरे दौर से गुजर चुकी है। वो ऐसा वक्त था जब कांग्रेस का तकरीबन सफाया हो गया था। ये बात 90 के दशक की है। उस वक्त शहंशाह ने गांधी फैमिली की न केवल मदद की थी बल्कि पार्टी की भी साख बचाई थी। अरे भाई, हम शहंशाह यानी बिग बी यानी अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं अमिताभ बच्चन ने गांधी फैमिली की मदद कैसे की थी। बिग बी का राजनीति में कदम। राजनीति में रुचि रखते होंगे तो ये मालूम ही होगा कि अमिताभ बच्चन ने एक बार राजनीति में कदम रखा था। हालांकि उस वक्त वो बिग बी या फिर सदी के महानायक तो नहीं थे, लेकिन सुपर स्टार जरूर थे। अपने स्टारडम की बदौलत उन्होंने उस वक्त की राजनीति के बड़े खिलाड़ी हेमवती नंदन बहुगुणा को चुनावी मैदान में करारी मार दी थी। फिर उन्हें राजनीति के मैदान में हाथ क्यों आजमाना पड़ा? बता दें कि यही वो वक्त था जब बिग बी ने गांधी फैमिली की मदद की थी। पर कैसे? दोस्त राजीव गांधी के लिए राजनीति के मैदान में उतरे। दरअसल 1984 में अमिताभ बच्चन ने अपने दोस्त राजीव गांधी के लिए राजनीति के मैदान में कदम रखा था। गौरतलब है कि 1977 में कांग्रेस का सफाया हो गया था, जिसके बाद कांग्रेस की साख दांव पर लग चुकी थी। तब राजीव गांधी ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इलाहाबाद की सीट को किसी तरह बचा लिया जाए। राजीव गांधी ने इसके लिए अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। पर इस मुकाम पर पहुंचने के बाद बिग बी के लिए ये फैसला लेना मुश्किल भरा काम था। लेकिन अपने दोस्त की खातिर उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लिया और इलाहाबाद के चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। हालांकि इलाहाबाद चुनाव जीतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां से दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा से टक्कर होनी थी। दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा से चुनावी मुकाबला। उस वक्त यूपी का विभाजन नहीं हुआ था। हेमवती नंदन बहुगुणा रहने वाले तो गढ़वाल के थे, लेकिन इलाहाबाद उनका राजनीतिक गढ़ माना जाता था। 1984 के लोकसभा चुनाव में बहुगुणा इलाहाबाद से लोक दल के उम्मीदवार थे, जिनके खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अमिताभ बच्चन को चुनावी मैदान में उतारा गया। सुपर स्टार अमिताभ के चुनावी दंगल में उतरने के बाद ये चुनाव काफी दिलचस्प हो गया, क्योंकि नौजवानों में बच्चन का तगड़ा क्रेज था। उधर बहुगुणा भी राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी थे। चुनावी दांव पेच के वो इतने पारंगत थे कि उनके सामने प्रतिद्वंदी टिक नहीं पाते थे। अमिताभ ने अपनाया फिल्मी हथकंडा। अब जब अमिताभ चुनावी मैदान में उतर चुके थे, ऐसे में उनकी साख भी दांव पर लग गई थी। जीत के लिए अमिताभ बच्चन ने न केवल अपनी इलाहाबादी छवि भुनाई बल्कि फिल्मी हथकंडे भी अपनाए। चुनाव मैदान में उनका साथ उनकी पत्नी और अभिनेत्री जया बच्चन ने भी दिया। पूरे देश में इस मुकाबले की चर्चा तेज थी। मुकाबला कांटे का हो चुका था, लेकिन अमिताभ बच्चन के स्टारडम के आगे हेमवती नंदन बहुगुणा चुनावी मैदान में टिक नहीं पाए। अमिताभ बच्चन ने उन्हें 1,87,795 वोटों से मात दी। ऐसे में न केवल अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद की सीट बचाई बल्कि कांग्रेस की साख भी बचाई और इस तरह गांधी फैमिली की मदद की। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।